Good morning, everyone. Continuing with our next question, illustration number 6. Gopal purchased Ravi Business from 1st January 2008. The profits disclosed by Ravi's business for the last 4 years were as follows 2005 may 74,000, 2006 may 66,000 after charging an abnormal loss of 12,000. Then 2007 may 128,000.

2005 का प्रॉफिट एज इट इज हम ले लेंगे 74000 2006 का जो प्रॉफिट है उसमें लिखा हुआ है 66000 आफ्टर चार्जिंग एन एब्नॉर्मल लॉस ऑफ 12000 तो एब्नॉर्मल लॉस को हम वापस ऐड करेंगे 66000 में तो प्रॉफिट फॉर 2006 हमारा होगा 66000 प्लस एब्नॉर्मल लॉस 12000 का 78000 देन 2007 में

तो अकरिंग नेचर का एक्सपेंस हुआ अगर आप इंश्योरेंस उसका परमानेंटली कंटिन्यू ले रहे हो तो इसे हम नॉर्मल एक्सपेंस मानेंगे बिजनेस का और इसे हम माइनस करेंगे तो एटी एट थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड एट्टी थाउजेंड तो इनका आपने टोटल किया तो आपका टोटल प्रॉफिट आया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड तो एवरेज प्रॉफिट निकला हमारा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंडिड बाई फोर एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और गुडविल यहाँ पे जो परचेज लिखी हुई है वो लिखी हुई है टू परचेज तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ इय ऑफ परचेजी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू इज इक्वल टू वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपका वैल्यू आ गई गुडविल की नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मॉडिफाइड फॉर्म है एवरेज प्रॉफिट मैथड का इस मैथड के अंडर जो प्रॉफिट है हर एक ईयर का उसे हम उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको टोटल करके हम उसको टोटल वेटेड प्रॉफिट जो आएगा हमारा उसे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से तो जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है जब उसे आप डिवाइड करेंगे टोटल वेट से तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फॉर्मूला क्या है इसे कैलकुलेट करने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट टू टोटल करने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ इयर्स पच्चीस और ये मैथड बेटर समझा जाता है एवरेज प्रॉफिट मैथड से उसका रीजन ये है कि ये जो मैथड है वो वेट देता है प्रॉफिट्स को अकॉर्डिंग टू दी कि कितने चांसेस हैं उस प्रॉफिट को फ्यूचर में अर्न करने के तो मैक्सिमम वेट दिया जाता है मोस्ट रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसे लीस्ट वेट दिया जाता है तो इसका एक इलेस्ट्रेशन देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेवन The profits of Melotra Enterprises for the year ended 31st December for the last 5 years were as follows. 2007, 8, 9, 10, 11 profits. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profits of last 5 years after weights 1, 2, 3, 4 and 5 were given respectively to the प्रॉफिट्स तो so, 2007 से 2011 तक के आपने लिख उज इंट वन वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टू वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू थ्री वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड इंटू फोर 2 lakh 15,000 into five तो ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए प्रोडक्ट्स का आपने टोटल किया तो 25 lakh 62,000 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमने वेट्स का टोटल आ गया 15 तो 2 lakh तो 25 lakh 62,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया वन लाख सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड का गुडविल निकालना है तो नंबर ऑफ परचेज हमें दिया हुआ है थ्री इयर्स तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो आपका जो गुडविल आया वो आया फाइव लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड का देन नेक्स्ट जो हमारे पास माथड है दैट इज सुपर प्रॉफिट माथड Uh, इस मेथड में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करते हैं to to है जो प्रॉफिट आप नॉर्मल प्रॉफिट से अबव अर्न कर रहे हो मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट अगर जो बिजनेस कमा रहा है उससे जितना भी एक्सेस प्रॉफिट वो कमा रहा है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं अगर कोई ओल्ड फॉर्म है और वो अर्न कर रही है प्रॉफिट इक्वल टू दी प्रॉफिट जो दूसरी न्यू फॉर्म एंगेज है उस टाइप ऑफ बिजनेस में तो इसका मतलब है अगर वो सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल कुछ भी नहीं है सेम नॉर्मल रेट से वो प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन अगर ओल्ड फॉर्म अर्न कर रही है ज्यादा प्रॉफिट न्यू फॉर्म से तो वैल्यू ऑफ गुडविल है ओल्ड फॉर्म की तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस प्रॉफिट में उतनी ज्यादा वैल्यू होगी गुडविल की एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं अगर जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल में फॉर्म ने की हुई है पंद्रह लाख रुपए और जो रेट है प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएट समाज समझा जाता है कि सिमिलर बिजनेस में जो रिटर्न मिल रहा है वो है टेन परसेंट का तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा फिफ्टीन लाख का टेन परसेंट दैट इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट आपका हुआ लेकिन फर्म एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितना अर्न कर रही है वो है टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है आपका दैट इज सेवेंटी थाउजेंड वो आपका सुपर प्रॉफिट है गुडविल जो है वो इक्वल होगी टू थ्री इयर्स सुपर प्रॉफिट जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो थ्री इयर्स आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो हमने जो सुपर प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से तो आपका गुडविल आ गया टू लाख टेन थाउजेंड तो फॉर्मूला जो इसके लिए यूज हुआ वो क्या है एवरेज प्रॉफिट एज इट इज आप कैलकुलेट करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है कैपिटल इम्प्लॉड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका गिवन है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो वो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा गुडविल कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इक्वेशन इसका देख लेते हैं

एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कैपिटल इन्वेस्टेड तो है फाइव लाख और नॉर्मल रिटर्न है टेन परसेंट तो फाइव लाख का टेन परसेंट निकाला तो ये आया फिफ्टी थाउजेंड तो सुपर प्रॉफिट आपने कितना

मैथड के अंदर फर्दर हमारे पास दो मैथड हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सबसे पहला जो मैथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो हम देखते हैं तो अंडर दिस मैथड जो वैल्यू है गुडविल की आप कैलकुलेट करते हो डिडक्ट करके जो आपकी नॉर्मल कैपिटल इम्प्लॉयड है फॉर्म की फ्रॉम दी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स अब ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है हमने अब हम इसमें देखते हैं कि जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसे अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की वैल्यू हमें चाहिए होती है तो उसी को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसके बाद एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड हमारी कितनी है बिजनेस में कैसे निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज तो गुडविल आपकी कैसे निकलेगी जो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है इसमें से जब आप माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी निकल जाएगी गुडविल इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं

एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ 84,000 और रिटर्न का जो रेट है नॉर्मली दैट इज 12 परसेंट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी 84,000 इन 200 डिवाइड बाय 12 तो ये आ गई आपकी 7 लाख एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 5 लाख 80 5,000 तो goodwill निकालने के लिए तो तो ये आ गया आपका वन लैखी थाउजेंड नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इसके अंडर दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इस मेथड के अंदर पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उसे कैपिटलाइज किया जाएगा और उस बेसिस पर जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो डिटरमाइंड होगी तो सुपर प्रॉफिट हम सेम तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकालते हैं दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और उसके बाद जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ट वैल्यू ऑफ गुडविलोफिट हमें दिया हुआ है सिक्सटी फाइव थाउजेंड कैपिटल इम्प्लॉयड है हमारी थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है थर्टीन परसेंट तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम तो कैपिटल इम्प्लॉयड थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड

थाउजेंड आपका वैल्यू आ गया गुडविल का तो ये था हमारा टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच